न्यूज़पेपर के साथ आप चाय की चुस्कियां भी ले रहे होंगे हम जानते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर में जगह बनाई है, सुर्खियों में है जो खबरें। सबसे पहले दैनिक भास्कर है मेरे पास, इसमें लिखा है भाजपा के हाथ से झारखंड भी गया, एक साल में 5 बड़े राज्य गवाए। तो सबसे ज्यादा जगह दी गई है न्यूज़पेपर की इस खबर को। कल की अगर हम बात करें तो कल पूरे दिन भर की नजरें जो सभी लोगों की नजरें जो है इसी पर टिकी हुई थी, और भाजपा के हाथ से झारखंड भी गया, एक साल में 5 बड़े राज्य गवाए। 2014 में भाजपा 7 राज्यों में थी, 2017 तक 19 राज्य यानी कि देश की 72% आबादी पर काबिज थी, अब 16 राज्य यानी कि 42%। एक काफी लॉस माना जा सकता है इस पूरे 5 बड़े राज्य जो है गवा दिए हैं एक साल में भाजपा ने। और अगर बात की जाए सब हेडिंग जो दिया गया है, और एक और चीज जो मैं दिखाना चाहूंगी इसमें लिखा है कोई लौटा दे मेरे जीते हुए दिन। ये एक तरीके से जो है एक मीम बनाकर कोशिश की गई है कि जनता को एक समझाया जाए कि एक वक्त हुआ करता था जब बीजेपी ज्यादातर राज्यों में काबिज थी, और अब ऐसा वक्त आ चुका है कि पीएम मोदी और अमित शाह सोच रहे हैं कि कोई लौटा दे मेरे जीते हुए दिन, यानी कि जो दिन थे जब बीजेपी काबिज होती थी ज्यादातर राज्यों में, वो दिन लौटाने की बात यहां पर हो रही है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों समेत 31 राज्यों की अगर हम बात करें तो 16 में एनडीए है, अभी इस वक्त बीजेपी है, 12 में बीजेपी और 4 में सहयोगी दलों के सीएम है, 14 राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है, और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, यानी कि देखा जाए तो एक बड़ा लॉस जो है बीजेपी को हुआ है। जी, तो अब आपको बता दें कि दैनिक जागरण का फ्रंट पेज की सुर्खी क्या कुछ कहती है, ये भी जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो आपको बता दें कि कल झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, और नतीजों की बात की जाए तो बीजेपी के हाथ से यहां की 20 सीट फिसल चुकी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब एक स्थिति बहुत ही अलग बन चुकी है बीजेपी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र से बीजेपी ने हाथ धो दिया, अब झारखंड भी बीजेपी के हाथ से चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है इसे, भाजपा के हाथ से झारखंड भी फिसला है, यानी कि आपको यह भी बता दें कि झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन को विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला है, और अब बिल्कुल साफ हो चुका है रास्ता कि हेमंत सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। यह भी जानना आपके लिए दिलचस्प होगा कि 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव झारखंड में हुए थे। और अब अगली खबर मैं बताऊंगी पंजाब केसरी से नीतू। पंजाब केसरी में जो है सोनिया सहित कांग्रेस के दिग्गजों का राजघाट पर सत्याग्रह, यानी कि कल जो प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेस का, कांग्रेस हालांकि लगातार प्रदर्शन कर ही रही है, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार ही प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब राजघाट पर कल सत्याग्रह इसे कहा गया है इस न्यूज़पेपर की ओर से। नागरिकता कानून के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सोमवार को सत्याग्रह किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रही, राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद रही, और इसका हम देखेंगे पेज 2 पर क्या कुछ लिखा गया है इसके बारे में। तो सोनिया सहित कांग्रेस के दिग्गजों का राजघाट पर सत्याग्रह, यानी कि प्रदर्शन जो है वो किया गया है कांग्रेस के दिग्गजों की ओर से, कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद रहे, और साथ ही महासचिव केसी वेणुगोपाल यहां पर मौजूद रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने सत्याग्रह के बारे में जानकारी देते हुए तमाम बातें कही थी, और अब जो है एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की। जी, अगर अगली खबर की बात की जाए तो हम आपको ये भी बता देंगे, खबर शिमला से है जहां पर लोहरी एक और धौला सिद्ध को सालों के बाद संजीवनी मिल चुके, यानी कि कहा जाए तो इन दोनों परियोजनाओं को वन और पर्यावरणीय विभाग की ओर से मंजूरी दे दी गई है, और जल्द ही इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इसकी डिमांड की जा रही थी कि यहां पर इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी मिले, और ये इंतजार अब खत्म हो चुका है, ये दोनों परियोजनाएं सिरे से अब शुरू कर दी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी किस तरह अखबार ने इसको एक अच्छी सी हेडलाइन के तौर पर भी पेश किया है, लोरी एक धौला सिद्ध को सालों बाद संजीवनी मिली है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इसके लिए एक खास तौर पर परियोजना को बनाया गया था, बजट रखा गया था, और इस पर अब जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा, तो यहाँ की जनता के लिए खास सौगात होगी शीना। बिल्कुल, और अगली खबर बताते हैं हम आपको, ये खबर है अमर उजाला की,
और अमर उजाला के स्पोर्ट्स पेज की ये खबर है और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर इसमें बात की गई है। बेमिसाल माही के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल, ये हेडलाइन दी गई है और एक तरीके से शुभकामनाएं भी हैं महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वो हैं जो अनहोनी को होनी कर देते हैं। ये एक तरीके से बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था कि जो अनहोनी को होनी कर दे वो है महेंद्र सिंह धोनी। अनहोनी को होनी करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल अपने पूरे कर लिए हैं और सचिन का सपना पूरा किया है महेंद्र सिंह धोनी ने, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने के बाद अब अगर बात की जाए तो माही के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल अब पूरे हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की हैं। इन्होंने कहा स्कूल में जब हम फुटबॉल खेलते थे वो भी जिक्र किया गया और 148 रन की पारी का भी जिक्र इन्होंने किया है जब इनसे अमर उजाला ने बातचीत की होगी जी। तो ये है बेमिसाल माही के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल जी। और अगर बात की जाए दिव्य हिमाचल की, तो दिव्य हिमाचल की एक खबर आपको बता रहे हैं जिसमें धारा 118 में 403 जमीनी सौदों को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, प्रक्रिया के आसान होते ही पिछले सालों के मुकाबले अगर बात की जाए तो 150 की बढ़ोतरी हो चुकी है। जयराम सरकार ने इसको मंजूरी दी है, लेकिन अगर बात की जाए तो इस बार इन मामलों में बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह वो ये सामने आई है कि इन्वेस्टर मीट है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि हिमाचल में निवेश खींचने के लिए राज्य सरकार ने धारा 118 को, जटिलता जो भी आ रही थी रास्ते में उसे फिलहाल खत्म कर दिया है और अब धारा 118 में 403 जमीनी सौदों को फिलहाल मंजूर कर लिया गया है। जयराम सरकार ने इस पर बकायदा अपनी मंजूरी भी दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि एनओसी के झंझट से भी फिलहाल लोगों को राहत मिल जाएगी और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑनलाइन प्रक्रिया से ये पारदर्शिता भी अब देखने को मिलेगी जी। नहीं तो और अब दैनिक भास्कर के भास्कर खास की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर हर बार जो है एक ऐसा आर्टिकल खास देता है अपने एडिशन में, अपने हर रोज के न्यूज़पेपर में जी। भास्कर खास में इस बार जो लिखा है वो चिंता का विषय है, भारतवासियों के लिए काफी चिंता का विषय है। 7 में से 1 भारतीय मानसिक बीमारी का शिकार, दक्षिण में सबसे ज्यादा डिप्रेशन, उत्तर भारतीय में कम चिंता करने वाले। हालांकि उत्तर भारत वालों के लिए ये थोड़ी सी अच्छी खबर मानी जा सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत जो है सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार यहाँ पर लोग हो रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं हमें चिंता जाहिर करने की सीधे तौर पर जरूरत है। और देश भर में साल 2017 की अगर हम बात करें तो हर 7 में से 1 व्यक्ति अलग अलग तरह के मानसिक रोगों से पीड़ित है, इनमें डिप्रेशन और कई शिकार हैं। 4.5 करोड़ लोग इन दोनों विकारों से जो है पीड़ित हैं। इन विकारों का असर भारत में बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, ये वो राज्य बताए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा डिप्रेशन है। और सबसे ज्यादा एंग्जाइटी कहां पर है, वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय में।